नमस्कार, मैं विशाल शर्मा एडवोकेट आज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फिर कोर्ट मैरिज ऑफिस में एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें कि आज मैं आपको जो अपनी इस वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दूंगा वो ये है कि एक दिन में आप अगर अपनी शादी करना चाहते हैं, अपनी लव मैरिज अगर आप करना चाहते हैं, तो एक दिन में आप अपनी लव मैरिज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि भविष्य में मेरे आगे आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी और आप भविष्य में हमेशा आप मेरे साथ में जुड़े रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि बहुत सारे कपल्स ने नीचे कमेंट्स में मेरे को लिखकर और मेरे को फोन करके बहुत सारे कपल्स ने पूछा था कि सर, एक दिन में जो लव मैरिज होती है, जो एक दिन में जो मैरिज करते हैं, वो कपल्स कौन से होते हैं और कौन से कपल्स एक दिन में मैरिज कर सकते हैं और कहाँ के कपल एक दिन में मैरिज कर सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से आज मैं उन सभी कपल्स को जो कि मैरिज करना चाहते हैं, अपनी लव मैरिज करना चाहते हैं और एक दिन में वो लव मैरिज कैसे कर सकते हैं, जिसमें कि किसी के घर पे कोई नोटिस वगैरह कभी नहीं जाएगा, जब तक आप लोग खुद नहीं बताएंगे तब तक किसी को नहीं मालूम पड़ता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अपनी इस वीडियो के प्रारंभ में कि लड़का और लड़की दोनों का बालिग होना बहुत जरूरी है। लड़के की जो बॉय की एज है वो कम से कम 21 साल जरूर होनी चाहिए और जो गर्ल की, जो लड़की की एज है वो कम से कम 18 साल जरूर होनी चाहिए। यही शादी करने की कानूनी रूप से हमारे यहाँ भारत में उम्र होती है। तो अब अगर लड़का और लड़की अगर ये एज अगर पार कर चुके हैं तो आप अपनी मर्जी से आप बिल्कुल शादी कर सकते हैं और किसी के साथ भी आप शादी करने के लिए आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर लड़का और लड़की दोनों में से कोई एक भी अगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, अगर दोनों ही उत्तर प्रदेश के हैं तब भी उनकी मैरिज एक दिन में हो जाएगी, और अगर दोनों में से कोई एक भी अगर उत्तर प्रदेश का अगर रहने वाला है तब भी वो अपनी मैरिज यहाँ हमारे पास आकर एक दिन में कर सकते हैं। अब उसकी प्रक्रिया क्या होगी, देखिए कि अगर आप यहाँ पर जब मैरिज करने आते हैं, जैसा कि मेरे अधिकतर जो मेरे दर्शक हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको सबको बहुत अच्छी तरह पता है कि जो मेरा ऑफिस है, जो ये ऑफिस आप देख रहे हैं, ये दिल्ली 30,000 कोर्ट के अंदर मेरा ऑफिस है, जो कि दिल्ली की सबसे पुरानी और जो है पूरे हिंदुस्तान की बहुत प्रसिद्ध कोर्ट है, जहां से अभी मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जहां मेरा ऑफिस है। तो जब भी आप मैरिज करने के लिए अगर आते हैं तो आप मेरे इसी ऑफिस में आप आते हैं दोस्तों, आप कोर्ट के अंदर ही आप मेरे ऑफिस में अपनी मैरिज करने के लिए आते हैं। अब एक दिन वाली जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में कभी भी किसी के घर पे कोई नोटिस नहीं जाता है, जब तक आप लोग खुद नहीं बताएंगे तब तक किसी को नहीं मालूम पड़ता कि आपकी मैरिज हुई है या नहीं हुई है। और जैसा कि बहुत सारे कपल्स ने मुझसे ये भी पूछा था कि क्या सर ऐसा होता है कि हम आज शादी कर लें तो वो शादी हमारी क्या 3 महीने या 4 महीने या 90 दिन बाद पक्की होती है। तो दोस्तों, अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी जो मेरे दर्शक हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप सभी लोगों का ये डाउट मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जिस दिन आप मैरिज करते हैं, जिस दिन आप मैरिज करने आप आते हैं और आपके हाथ में जब सर्टिफिकेट उस दिन आपको मिल जाता है, यानी कि जब आप जज साहब के सामने आप जाएंगे जिस दिन आप आते हैं, तो उसी दिन आपको सर्टिफिकेट आपको मिलेगा और एक ही दिन में आप दोनों लोग पति पत्नी हो जाते हैं और उसी दिन से आप दोनों लोग लीगली हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि कोर्ट मैरिज 2 महीने या 3 महीने बाद पक्की होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जब आप जज साहब के सामने जाते हैं तो जज साहब के सामने लड़का और लड़की दोनों के बयान होते हैं, दोनों की स्टेटमेंट होती है, एक सर्टिफिकेट जो उनको मिलता है पहले लड़का और लड़की को, जो कपल से मैरिज करने आते हैं, एक सर्टिफिकेट उनको आर्य समाज टेम्पल का मिलता है जो कि रजिस्टर्ड जैनमन आर्य समाज टेम्पल है, और जो दूसरा सर्टिफिकेट होता है फिर जब वो जज साहब के सामने जाएंगे तो जज साहब के सामने लड़का और लड़की दोनों की स्टेटमेंट होती है, दोनों के बयान होते हैं और जो दो गवाह होते हैं उन दोनों गवाहों के स्टेटमेंट जज साहब के सामने होते हैं, उसके बाद ही जाकर आपको मैरिज का सर्टिफिकेट जज साहब इशू करते हैं, जिस सर्टिफिकेट को आप अपना ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट वेबसाइट पर आप अपने मैरिज सर्टिफिकेट को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और उसी दिन से आप लोग पति पत्नी हो जाते हैं, कोई भी आपको दोस्तों अलग नहीं कर सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास अगर कोर्ट मैरिज ऑफिस में अगर जो लोग मैरिज करने आते हैं, तो एक मैं उस अपने सभी दर्शकों को मैं दोबारा जरूर बताऊंगा कि जो अगर आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स अगर हैं, यानी कि आपके पास में जो आपके आईडी प्रूफ्स हैं, जो आपके पास एज प्रूफ है, अगर वो आपके पास जेन्युइन है तो आप कोर्ट मैरिज ऑफिस में आकर आप अपनी मैरिज आप बिल्कुल कर सकते हैं।
लेकिन अगर किसी भी प्रकार की अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स में कोई आपने छेड़छाड़ी करी है या कोई आपने उसमें कोई एडिट किया है या कुछ भी, अगर आपने कोई गलत काम अगर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में अगर किया है सिर्फ और सिर्फ शादी करने के लिए, तो मैं दोस्तों ऐसे कपल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो हमारे पास में बिल्कुल ना आए, क्योंकि कोर्ट मैरिज ऑफिस के ऊपर लोगों का, हजारों हजारों लोगों का कम से कम 12 साल का भरोसा बना हुआ है दोस्तों, जिससे कि अधिकतर जो कपल है वो कोर्ट मैरिज ऑफिस की जो एक गरिमा है वो लोग जानते हैं कि अगर हम कोर्ट मैरिज ऑफिस के थ्रू अगर हम मैरिज कर रहे हैं तो बिल्कुल वो मैरिज हमारी जेन्युइन है, क्योंकि जब आप मैरिज हमारे पास में करने आते हैं तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके मेरे द्वारा ही आपके बनाए जाते हैं दोस्तों, और जब हम आपके सारे आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हम चेक कर लेते हैं कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, उसके बाद ही जाकर आपको मैरिज का सर्टिफिकेट आपको दिलवाया जाता है, आपकी मैरिज हमारे यहाँ परफॉर्म करवाई जाती है। तो जो अगर सिर्फ जेन्युइन जो कपल्स हैं वही हमारे पास में यहाँ पर कोर्ट मैरिज ऑफिस में आकर मैरिज कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा इसमें साथ में, कि जब भी आप अगर मैरिज अगर करने आप हमारे आते हैं कोर्ट मैरिज ऑफिस में, तो हमारे यहाँ पर कभी भी कोई आपसे कोई पहले एडवांस पेमेंट या कोई पहले आपसे पैसे हमारे ऑफिस में कोई भी मैं या मेरा स्टाफ कोई आपसे नहीं लेता है। जब आप यहाँ पर हमारे ऑफिस में आप मैरिज करने आते हैं तो आप जब आप आएंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाए जाते हैं, जो जो मैरिज सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे, और जब आप पूरी तरीके से आप संतुष्ट हो जाते हैं तभी यहाँ मेरे कोर्ट मैरिज ऑफिस में आपका काम शुरू किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपसे यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मैरिज करने के लिए अगर आ रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में कोई छेड़खानी आप ना करें, जो अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपकी जेन्युइन एज का प्रूफ है, वही आप हमारे पास में लेके अपनी मैरिज करने के लिए आ सकते हैं। और दोस्तों अगर इससे संबंधित मेरे इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कुछ भी अगर आपको जानना है, तो या आप अगर मैरिज अगर करना चाहते हैं या मैरिज करने की जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप मेरे इस मोबाइल नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल करने का जो समय है दोस्तों वो आप प्लीज आप याद जरूर रखिए, कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से लेके शाम को सिर्फ 7 बजे तक का है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसी बीच में आप कॉल कर सकते हैं, शाम को आप 7 बजे के बाद प्लीज कॉल मत करें दोस्तों, क्योंकि आपका कॉल रिसीव फिर नहीं किया जाएगा। आप 10 बजे से शाम को 7 बजे के बीच में ही आप लोग कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों मेरी इस वीडियो को आप ऐसे कपल्स तक जो कि अगर जो जेन्युइन मैरिज करना चाहते हैं, जो कि अगर जो कई सारी यूट्यूब पर वीडियो देख के अगर वो लोग परेशान हो गए हैं या कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग मैरिज करने कहाँ जाएं, तो दोस्तों अगर आप जेन्युइन अगर मैरिज करना चाहते हैं तभी आप हमारे पास में आप हमारे इस मोबाइल नंबर पे आप कॉल करके आ सकते हैं दोस्तों। तो अगर ये वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ में, अपने कलीग्स के साथ, अपने एसोसिएट्स के साथ में आप ये वीडियो आप मेरा शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि उन कपल्स की भी मेरे इस वीडियो के माध्यम से नॉलेज अपडेट रहेगी। और यदि आप कोर्ट मैरिज से अलावा अगर कुछ भी अगर आप और अगर वीडियोस अगर देखना चाहते हैं, तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा हमारा दूसरा जो चैनल है वो ऑनलाइन लीगल सपोर्ट के नाम से है, आप यूट्यूब में आप ऑनलाइन लीगल सपोर्ट आप अगर सर्च करेंगे तो आप मेरे उस चैनल पे जाकर आप तमाम आप वीडियोस आप देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल रहेंगी और बहुत ज्यादा जानकारी आपको उसमें प्राप्त हो पाएगी। तो इस वीडियो को दोस्तों आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।